मुझे लगता है केवल हिमाचल ही नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए जो किया है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और युवाओं के लिए जो किया है, और आज फिर से किसानों के खाते में 12वीं किस्त 16,000 करोड़ की डाल रहे हैं। ये किसान मिलके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके श्रद्धा बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, और इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ये केवल वो सोचते नहीं है, कर रहे हैं। पहले 5 चुनाव हुए, इसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। गरीबों उत्थान का और किसानों के कल्याण की योजनाओं के कारण नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनमानस में एक श्रद्धा का केंद्र है। दूसरा, जहाँ तक हिमाचल का विषय है, तो हिमाचल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने बहुत जनहितैषी कार्य किए हैं, और मोदी जी ने तो यहाँ पर एम्स भी देने का काम कर दिया है। यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब हिमाचल के लोगों को, गरीबों को, नौजवानों को अब इलाज कराने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, मोदी जी ने यही व्यवस्था कर दी है। ऐसे काम जो अभूतपूर्व है, देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए, वो पहली बार हुए।